हेलो गेमर्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक और मिजर एपिसोड में फार्मिंग सिमुलेटर 22 के। तो गाइस लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, हमने ना एक फार्म को परचेज किया था जिसके अंदर कॉटन वगैरह लगी हुई थी एंड उससे हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट और भी कमाया था। बाकी हमने यहाँ पर दो फील्ड्स को हार्वेस्ट करने के लिए अपने AI लगाए थे जो कि अभी फिलहाल के लिए हार्वेस्ट वगैरह हो चुके हैं। थोड़ा बहुत काम मैंने उस पर खुद भी किया है। बाकी अभी जो एक फील्ड रह गया है ना, उसको थोड़ा बहुत हार्वेस्ट करना है। तो उसको हार्वेस्ट करके फिर जितना भी वहां पर सामान होगा उसको हम जाकर के जॉनसन फार्मर मार्केट या फूड रेस्टोरेंट पे छोड़ देंगे एंड देन अपना वाला कॉन्ट्रैक्ट ना कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जल्दी से आज की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी आज हमारे पे यहाँ पर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स नए आने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय फार्म। एंड गाइस अभी चल रहा है अपना दिसंबर का महीना एंड अगर आप सामने देखोगे ना तो भाई यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है जो कि काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। धीरे धीरे करके शायद ये अपना रोड वगैरह पे भी जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जल्दी से यहाँ पर चलता हूँ और अपने फील्ड्स पे जाकर के वर्क करता हूँ। तो जल्दी से हम यहाँ पर क्विक शिफ्ट मार लेते हैं एंड अच्छा ये वाला ट्रैक्टर शायद जॉनसन फार्मर मार्केट पे मैंने भेजा था थोड़ा बहुत सामान लेकर के, तो इसको मैं वापस बुला लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इसको बोल देता हूँ भाई वापस से आ जा अपने प्लेस पे, और उसका प्लेस था यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, तो उसको यहाँ पर बुला लेते हैं। ऑलराइट एंड लेट्स गो। बाकी मैं जरा देखता हूँ बाकी वाले ट्रैक्टर का है। हाँ, ये वाला गाइस देखो, ये वाला जो काम था ना मेरा शुगर पीट वाला, तो ये वाला मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए काम कर दिया है। बस यहाँ पर मेरे को सामान वगैरह को ना अभी ट्रांसफर करना है यहाँ से। ठीक है, और ये वाला जो सारा सामान है ना ये जाएगा हमारा जॉनसन फार्मर मार्केट पे। तो फिलहाल के लिए जरा मैं इस वाले को ना भर लेता हूँ। ठीक है, और इसको ना फिर हम यहाँ से भेज देंगे जॉनसन फार्मर मार्केट पे। बाकी जो दूसरे वाले फील्ड का काम है वो थोड़ा सा रह गया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको AI से करवा देते हैं और थोड़ा सा खुद भी कर लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारा काम AI करे, थोड़ा सा ही काम रह गया बेसिकली ना अभी फ़िलहाल के लिए। जरा मेरे को इसको ओपन करना पड़ेगा, तो फटाफट से इसको ओपन कर देते हैं। और ओके ठीक है, चलो ये ओपन हो गया है एंड अभी यहाँ पर जितना अभी इसके अंदर शुगर बीट है ना वो सारा का सारा अपने टेलर के अंदर जमा हो जाएगा। उसके बाद मैं ना फिर यहाँ पर अपने AI को बोल दूंगा, वो सारा का सारा सामान जो है ये ले जा करके वहाँ जॉनसन फार्मर मार्केट पे छोड़ देगा। ठीक है, हो जाए फटाफट से। 64% तो ऐसे ट्रैक्टर भरा हुआ है। ओके ओके ओके, चलो सारा का सारा काम हो चुका है। बस अब इसको यहाँ से मेरे को जॉनसन फार्मर मार्केट पे भेजना है। ठीक है, ये लो गाइस। ठीक है, अभी ये वाला जो सामान है हमारा चला जाएगा सारा का सारा जॉनसन फार्मर मार्केट पे। तब तक मैं आपको दूसरे वाले फील्ड का नतीजा दिखाता, मतलब हाल दिखा देता हूँ। देखो ये है अपना दूसरा वाला फील्ड जिसमें हमारी उगी हुई थी यहाँ पर कॉर्न। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने बहुत बड़ा एरिया जो है इसका कंप्लीट कर दिया, बस थोड़ा सा एरिया रह गया तो फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। बट उसके लिए पहले मेरे को ना अपने हार्वेस्टर से थोड़ा बहुत जो सामान पड़ा हुआ है इसको निकालना पड़ेगा। बेसिकली क्रॉप्स जो पड़ी हुई है उनको निकालनी पड़ेगी, तो फटाफट से उनको निकाल देते हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद हमारा जो टॉप लाइनर नहीं मतलब हार्वेस्टर जो है, एक सेकंड मैं पहले ही मोड़ दिया थोड़ा सा ना, ये एक्चुअली में ना ट्रैक्टर्स थोड़े से ये पावर स्टीयरिंग नहीं है मेरे हिसाब से तभी है ना। ओके फटाफट से इसको यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। नाइस, ठीक है अभी ये वाला एक बार खाली हो जाए उसके बाद हम दोबारा से एक बार अपने हार्वेस्टर को यहीं पे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हमारे दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो है ना गाइस वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड अपने को यहाँ पर मिल जाएंगे शायद 20,000 यूरोस। आई थिंक सो 20,000 यूरोस मिलेंगे। ठीक है गाइस, चलो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर भर चुका है एंड इसको ना जस्ट बगल में यहीं पर खड़ा कर देता हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत क्रॉप्स और रह गई है, ये भी यहाँ पर कट जाए उसके बाद ही हम इसको डिलीवर करने चाहेंगे। अभी मैं इसको डिलीवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं और इस पर कर देता हूँ अपने AI को हायर। हार्वेस्टिंग वाइल इट रेन्स रिड्यूस द यील्ड। अब इतनी सी तो रह गई है यार, अब इतनी सी के लिए क्या मैं मतलब रुकूँ ना। अब ये फटाफट से काम हो जाए अपना तो फिर उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे इस काम से। बाकी अपना ट्रैक्टर सामने से आ चुका है भाई, कितना रियलिस्टिक सा लग रहा है ना। देखो यार अपनी एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, एक बंदा काम कर रहा है, देखो कितना मस्त तरीके से आ रहा है भाई। देखो ये देखो, वाह यार बहुत प्यारा लगता है। अभी मैं फटाफट से पहले टॉप लाइनर पर चलता हूँ अपने एंड
हम ना पहले एक काम करते गाइस, एक दिन ना स्किप कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अंधेरा होने लगा है एंड जितनी जल्दी अंधेरा चला जाए उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि भाई जब गेम में अंधेरा होता है ना तो फिर कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टर की लाइट्स वगैरह में तुम देख सकते हो, इधर उधर वैसे कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, चलो अभी नया दिन हो चुका है, बेसिकली हमारा दिसंबर जा चुका है एंड अभी अपना आ चुका है यहाँ पर जनवरी। तो अभी मेरे पे काफी सारी फसल उगाने को है यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर काफी सारे प्लांटिंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए गाइस ये वाला फार्म जो है मेरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, इस वाले पूरे फार्म में मैंने कहीं पर भी खेती नहीं करी हुई है, वो वाला फील्ड और ये वाला फील्ड, ठीक है, ये दोनों खाली है। इस फार्म के अंदर ये जो दो फील्ड है ये खाली है बेसिकली, बाकी ये वाले फील्ड में तो मैंने अपना चिकन कूप्स वगैरह लगा दिए थे, और पीछे वाले फार्म को भी, पीछे वाले फील्ड को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर क्या सीन है। भाई ये वाली सारी क्रॉप्स भी मेरे को हटानी है, तो इसको जरा यहाँ पर क्या आ रहा है, हार्वेस्ट हो चुकी है ना, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कल्टीवेटर चला सकते हैं शायद से अब, और कल्टीवेटर फिर यहाँ पर कल्टीवेट वगैरह कर देगा। मेरे पे ट्रैक्टर है, एक सेकेंड, अभी मेरे सारे के सारे ट्रैक्टर्स मैंने इधर उधर भेजे हुए हैं, पता है मेरे सारे के सारे ट्रैक्टर्स ना इधर उधर जा रखे हैं, कोई एक ट्रैक्टर भी नहीं है, एक ट्रैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। कल्टीवेटर वाला जो ट्रैक्टर है मैं फिलहाल के लिए ले जा करके ना इसको जरा पीछे वाले फील्ड पर लगा देता हूँ, ठीक है, वो पीछे वाले फील्ड पर जा करके तब तक कल्टीवेट कर देगा एंड फिर हम वहाँ पर भी कुछ उगा लेंगे, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ तीनों फील्ड में एक ही जैसी चीज़ उगाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर उनको लाइक क्या कहते हैं स्टोर करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, इस वजह से, ठीक है। तो इसको जल्दी से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और ये यहाँ पर तब तक कल्टीवेट कर देगा, ठीक है। बाकी तब तक मेरे जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग पड़े ना मैं उनको कम्प्लीट कर देता हूँ, उसको नीचे करते हैं एंड लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। भाई क्या परफेक्ट करता है ना ये मेरे को बड़ा प्यारा लगता है, दिखाता हूँ उनको, दूर से दिखाते हैं आपको, देखो कितना सही लगता है यार ये, सही में मज़ा आता है इस काम को करते हुए, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और इस पे कर देता हूँ मैं AI हायर, ये फिलहाल के लिए इसको कल्टीवेट कर देगा एंड मैं जरा चलता हूँ जल्दी से ये वाला काम, एक सेकेंड भाई, अबे ये छोड़ के नहीं आया क्या यार, इसको कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, चल ही नहीं रहा है, हाँ अभी जा रहा है, मैं सोचा था कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओके भाई हमारे हार्वेस्टर ने इधर वाली पूरी की पूरी फसल जो है ना वो भी काट दी है, ठीक है, बस अब अपना को यहाँ पर सामान वगैरह भरने का है एंड उसके बाद ऑल सेट है मामला, ठीक है। उसके बाद हम सारा का सारा जो सामान है उसको छोड़कर आ जाएंगे फूड रेस्टोरेंट पे, क्योंकि गाइस जो ये वाला सामान जाना था ना यहाँ वाला, वो सारा का सारा फूड रेस्टोरेंट पे जा रहा है। बेसिकली ये कॉर्न है तो हमारा जो कॉर्न्स वगैरह है वो फूड रेस्टोरेंट में यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो शुगर बीट वगैरह है वो हमारा जा रहा है लाइक जॉनसन फार्मर मार्केट पे, और अगर हम बात करते हैं अपना वीट वगैरह का तो वो भी जॉनसन फार्मर मार्केट पे जाता है, तो उसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, नाइस, एंड ये वाला काम भी फिर अपना इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर एक काम करता हूँ, कोई और जॉब पकड़नी है मेरे को तो चेक कर लेता हूँ। भाई कल्टीवेटिंग के लिए यहाँ पर देखो 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट है एक, भाई इसको कैसे छोड़ूं मैं, इसको मैं लेने वाला हूँ, नाइस, एंड इससे अपने को मिलेंगे यहाँ पर आराम से 20,000 यूरोस, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये वाला काम हम करेंगे। फिलहाल के लिए जरा मैं इससे उतरता हूँ और इस वाले सामान को मैं खुद छोड़ कर आऊँगा, ठीक है गाइस, इस वाले सामान को मैं खुद छोड़ कर आऊँगा, थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं एंड लेट्स गो, ठीक है। ये क्योंकि मेरे जस्ट घर के पास ही है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये काम खुद ही कर जाते हैं ना। बाकी भाई अभी हमारे को फसल वगैरह भी सेल करनी है अपनी, हमारे पास पड़ी हुई है सोयाबीन की फसल जो हमने अभी तक सेल नहीं करी है, तो उसको सेल कर देंगे। फिलहाल के लिए जरा मैं पहले याला काम निपटा देता हूँ, ठीक है, और उसको ही मेरे को जॉनसन फार्मर मार्केट पे भेजना पड़ेगा सोयाबीन की फसल को ना, तो करना पड़ेगा कुछ जुगाड़। अभी मेरे पे शायद ट्रैक्टर खाली नहीं है और जो मेरे बाकी के ट्रैक्टर्स हैं ना वो इधर उधर जा रखे हैं, तो मेरे को सब ट्रैक्टर्स को बुलाना भी पड़ेगा, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए मैं जरा इसको यहाँ, इसको यहीं पर लाना था ना, एक सेकेंड, कौन की फसल है ये, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं गलती नहीं कर रहा हूँ, इसको यहीं पर लाना था और इसको यहाँ पर लाकर मैं जरा अनलोड मार देता, अनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आ गया आ गया आ गया, मैं बोलूँ तो भयंकर अनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। चलो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अपना बस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, हो जाए भगवान, कहीं उन्होंने कुछ बोल दिया ना कि भाई ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वैसे छोड़ा तो कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन फील्ड 38 इज फिनिश, ठीक है। फिलहाल के लिए गाइस ये वाला कॉन्ट्रैक्ट अपना फिनिश हो चुका है एंड तो ये रहा गाइस अपना कॉन्ट्रैक्ट फील्ड 38 वाला, और 7,911 यूरोस इसके मिलने वाले एज अ रिवॉर्ड में, और बाकी 7
132 यूरोस ऑलरेडी हमारे को मिल चुके होंगे आई थिंक सो। ठीक है तो फटाफट से मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अभी हो चुके हैं गाइस अपने पास 58,593 यूरोस। वो धीरे धीरे कम हो रहा है एक्चुअली में हमारा एआई गाड़ी वगैरह चला रहा ना तो गाड़ी मतलब बेसिकली वो एआई ना बंदे ही है हमारे ठीक है तो उनको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है उसको चलाने का तो इसलिए यहाँ पर वो पैसे जो है कम होते रहते हैं। फिलहाल के लिए जरा मैं उस वाले को देख लेता हूँ जॉनसन फार्मर मार्केट पहुँचा या नहीं। आई होप सो पहुँच गया होगा। हाँ पहुँच गया और इसने सारा का सारा सामान ड्रॉप कर दिया। ये भी ड्रॉप कर चुका है यार तो ये वाला अभी एक्टिव है नहीं ये भी कम्प्लीट हो गया गाइस देखो ये वाला भी कम्प्लीट हो गया तो इसका भी जरा मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ एंड हमारे सारे के सारे ट्रैक्टर अभी जो थे वो जा चुके क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अपने पास आ चुके हैं अभी 67,000 यूरोस। अभी मेरे को यहाँ पर काफ़ी सारा लोन भी चुकाना है तो वो भी मैं चुका दूंगा ठीक है। फिलहाल के लिए जरा यहाँ उतरता हूँ मैं और एक सेकेंड पहले मैं लोन का ही काम देखता हूँ यार। देखो लोन ना ज़्यादा चढ़ा हुआ है अपने पास तो 75,000 यूरोस का लोन है बस। तो एक काम करते हैं ना इसको जितना कम हो सकता है उतना कम कर देते हैं 10,000 यूरोस ठीक है। अभी 1,230 यूरोस है इसको इतना रहने देते हैं यार क्या पता कभी नीड पड़ जाए। अभी जैसे एआई वगैरह हमारा गाड़ी चला रहा है ना तो उसको पैसे वगैरह देने पड़ते तो इसलिए थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए अपने पास ठीक है। और अपना कल्टीवेटर वाला कल्टीवेट कर रहा है बहुत सही से यहाँ पर ठीक है। देखो मोस्टली फील्ड इसने आधा फील्ड कर दिया है थोड़ा बहुत फील्ड रह गया बाकी फिलहाल के लिए जो वो दूसरे वाला कल्टीवेटर है ना इसको चलो। भाई साहब ये वाला ट्रैक्टर देखो गाइस क्या मस्त है यार ये कुछ नया टाइप का है थोड़ा सा। अभी वैसे ना ये जनवरी का मौसम चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है नहीं तो यहाँ पर अभी काफ़ी सारी जॉब्स होने वाली थी। मैंने एक काम करता हूँ यार कैमरा चेंज कर लेता हूँ ये ज़्यादा बेटर है ना और फटाफट से इसको यहाँ पर कनेक्ट मार दे नाइस। और अभी मेरे को कौन से फील्ड पे जाना है इसको लेकर के देखते हैं कहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। कहीं पर ब्लिंक हो रहा है क्या यहाँ पर फील्ड यहाँ पर जाना है मेरे को 10th फील्ड पे भाई बहुत दूर है ये। ठीक है चलो कोई बात नहीं चल लेंगे आराम से चलेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेट्स गो गाइस लेट्स गो एंड फटाफट से जा करके इस वाले फील्ड को कल्टीवेट करते हैं ठीक है। कल्टीवेटर वैसे अपने पास जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड मुझे लगता है इस वाले कल्टीवेटर से ना जो काम है अपना वो इजीली हो जाएगा ठीक है। तो देखते एक बार ले जा करके भाई बाकी इसका मैकेनिज्म देख रहे हो अंदर से कितना तगड़ा है ना सही में यार इसका मैकेनिज्म मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अरे ये कहाँ से आया अच्छा बीच में आ गया हैंगर डरा दिया इसने मैंने सोचा अभी कर देगा ये काम। चलो अभी फटाफट से चलते हैं जा करके पहले ना उस वाले फील्ड को भी हम कल्टीवेट कर देते हैं। ऑलराइट गाइस फिलहाल के लिए हम आ चुके हैं अभी फील्ड 10 के आसपास शायद से यार ये 10th फील्ड यही वाला तो नहीं है भाई इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे को लग रहा है यही वाला फील्ड होगा। हाँ यही वाला फील्ड है ठीक है तो फटाफट से इसको लेकर चलते हैं यहाँ पर एंड जा करके पहले यहाँ पर ना कल्टीवेटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं कोने से लगा देता हूँ इधर की साइड से ठीक है एंड इधर की साइड से स्टार्ट कर देंगे ठीक है। हाँ यहाँ से कर देते हैं मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए थोड़ा सा और कोने में ले जाना पड़ेगा एक्चुअली मैंने ये राउंड है थोड़ा सा तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है हो सकता है यहाँ से भी कर सकते हैं यार यहाँ से कर देते हैं ठीक है। तो अभी फटाफट से ना यहाँ पर मैं कल्टीवेटर वगैरह इसका ओपन कर देता हूँ एंड भाई साहब ये कल्टीवेटर सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है शायद मैंने अभी तक इतना बड़ा कल्टीवेटर यूज़ नहीं किया है और ये पहला कल्टीवेटर है जो इतना बड़ा है ठीक है। फटाफट से इसको मैं नीचे करता हूँ एंड लेट्स गो गाइस ठीक है फटाफट से इस फील्ड को कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं होप सो ये सही से कल्टीवेट करता हो। ओह भाई साहब कितना बड़ा एरिया एक बारी में कल्टीवेट कर रहा है सीरियसली देख रहे हो भाई बहुत बड़ा एरिया कल्टीवेट हो रहा है इससे ईजिली हो जाएगा मेरे हिसाब से जल्दी कल्टीवेट हो जाएगा सारा का सारा एंड ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली कर रहा है चीज़ों को देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली कर रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं इसको तो ये देखो वाओ भाई क्या सही लग रहा है ना बहुत सेटिस्फाइंग है भाई सही में बहुत सेटिस्फाइंग है एंड फटाफट से एक काम करते हैं इस पर हम AI को हायर कर देते हैं अपना AI जो है इतना एरिया इसको कंप्लीट कर देगा। तब तक मैं एक काम करता हूँ जो हमने दूसरे वाली चीज़ों को देखा था ना मतलब जो अपने दूसरे वाले ट्रैक्टर को छोड़ा था शायद उसने यहाँ पे कल्टीवेट कर दिया होगा। भाई ये फील्ड इतना बड़ा था क्या इसको इतना टाइम लग रहा है कल्टीवेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई ये कल्टीवेट करने में। चलो ठीक है अभी ये फिलहाल इधर की साइड से कल्टीवेट कर रहा है मैं दूसरी साइड से ना इस पर कुछ लगाना स्टार्ट कर देता हूँ ठीक है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड इस टाइम पे हम क्या प्लांट कर सकते हैं एक बार मैं वो चेक कर लेता हूँ। तो अपना यहाँ पर प्लांटिंग सीजन ये चल रहा है गाइस तो यहाँ पर अपना जनवरी है जनवरी में हम यहाँ पर ना अभी कुछ भी प्लांट नहीं कर सकते बट
कॉटन प्लांट कर सकते हैं हम फेब्रवरी में, ठीक है, फेब्रवरी में हम कॉटन प्लांट कर सकते हैं, बट इस टाइम अभी हम कुछ भी प्लांट नहीं कर सकते हैं, तो शायद मेरे को एक दिन को स्किप करना पड़ेगा उसके लिए। तो फटाफट से काम करते हैं, यहाँ पे ना मैं एक दिन को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। चलो गाइस, तो अभी मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पर 2 मंथ्स को स्किप कर दिया है, एंड अभी हमारे पे ना यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है वैसे कि हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम उगा सकते हैं ओट्स वगैरह, सनफ्लावर उगा सकते हैं, पटेटोज उगा सकते हैं, सुगर बीट उगा सकते हैं, सुगर केन उगा सकते हैं। तो मेरे को ना एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी, मेरे को ज़्यादा पैसा किस में मिलेगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पैसा होगा ना वो चीज़ हम यहाँ पर उगाएंगे। तो यहाँ पर देखो वीट का अगर प्राइस देखे तो 1000 है, और बार्ले ओट ओट का 1600 है, यार ओट का थोड़ा ज़्यादा है, और अगर मैं बात करूँ कैनोला का 1800 है, और सनफ्लावर्स का भाई 2000 है। सही में तो सनफ्लावर्स को हम उगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर पटेटोज कम है, मतलब यार बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। बाकी सुगर केन भी कम है, तो ऐसी कोई चीज़ उगानी है अपने को जिसपे हमारे को ज़्यादा पैसा मिले। तो सनफ्लावर हम यहाँ पर उगा सकते हैं, बट सनफ्लावर की सीड्स कैसे डलेगी एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो फटाफट से क्विक शिफ्ट मारते हैं यहाँ से, और पहले यहाँ पर ना मैं एक बार शॉप पे चेक कर लेता हूँ, रुको, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या सीन है यहाँ पर, ठीक है, उसका एक सेकेंड। तो यहाँ पर सनफ्लावर होगा कहीं पर, आई होप सो। सनफ्लावर कहाँ है भाई? तो गाइस देखो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें ना मेरे को समझ आ गई। तो सनफ्लावर को उगाने के लिए हमारे को सीडर की जरूरत नहीं है, हमारे को चाहिए होगा प्लांटर, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमारे लिए प्लांट कर देगा सनफ्लावर्स को। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर 2 चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो फटाफट से पहले मैं यहाँ पर 2 चीज़ों को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे को सबसे पहले चीज़ चाहिए होगी सीड्स। तो फटाफट से यहाँ पर जाते हैं और ये सीड्स परचेज कर लेते हैं, और शायद से ये एक बार ना मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा, देखो गलती ना हो कुछ, तो हम आराम से काम करेंगे। बाकी यहाँ पर हमारे को चाहिए होगा एक प्लांटर, तो ये प्लांटर है, एंड ये प्लांटर्स जो है ना गाइस बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो मेरे को सस्ते वाला कोई प्लांटर यहाँ पर देखना पड़ेगा। 8000 वाला भी है वैसे, बट 8000 वाला ना थोड़ा धीरे ही काम करेगा, वैसे हमारे को जल्दी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 15000 वाला भी एक, तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले को हम ले सकते हैं, ठीक है, इस वाले को हम ले सकते हैं। फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पर एक प्लांटर पहले मैं परचेज नहीं करूंगा, लीज पे लूंगा, और 765 यूरोज लगने वाले हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। बाकी मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा वो बिग पैलेट, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर एक बिग पैलेट ले लेते हैं, जिसके अंदर हमारे को मिलेगी यहाँ पर सीड्स, ठीक है। तो ये वाली होगी वो, और कुछ तो नहीं है ना, नहीं, ये वाली सीड्स हमारे को लेनी है, तो इसको मैं ले लेता हूँ फिलहाल के लिए फटाफट से, ठीक है। ये भी हमने कर ली यहाँ पर परचेज, ठीक है, ये पूरी की पूरी परचेज करनी पड़ेगी 900 यूरोस की। चलो ठीक है, अभी हमारे पास आ चुका है एनफ सामान, एंड अभी मेरे को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा ट्रैक्टर। तो फटाफट से मैं यहाँ पर ना ट्रैक्टर को लेकर आता हूँ, और ये वाला सामान ना अपने पहले घर पे लेकर चलते हैं, ठीक है गाइस। फिलहाल के लिए ट्रैक्टर आ चुका है, एंड जल्दी से यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। बाकी मैं क्या सोच रहा हूँ ना यार, देखो अभी हमने जोनसा वाला फील्ड कल्टीवेट किया है, हमारा वाला जो फील्ड है, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ उसी में उगाएं इसको या किसी और में उगाएं, क्योंकि ना मेरा मन बोल रहा है कि भाई अपना जो एक और फील्ड है ना आसपास वाला, मतलब जो हमारे जस्ट घर के सामने वाला फील्ड है, उसके आगे वाला फील्ड भी कल्टीवेट हो रखा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको वहाँ पर भी उगा सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ऐसी। तो ठीक है, फिलहाल के लिए जरा मैं पहले इसको रिफिल कर लेता हूँ, एंड रिफिल हो गया सारा का सारा, ओह रिफिल हो चुका है, ठीक है। अभी फटाफट से चलते हैं, एंड जा करके पहले मैं इसको ना प्लांट करना स्टार्ट करता हूँ, और प्लांट में कौन कौन से सीड है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कौन है हमारे पास? सनफ्लावर है भाई, सनफ्लावर की सीड है इसमें, तो हमारे को सनफ्लावर की सीड ही लगानी है बेसिकली, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कौन से वाले फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो गाइस देखो मैं कर रहा हूँ इस वाले फील्ड की बात, ठीक है। तो इस वाले फील्ड में भी लगा सकते हैं, बट पता है क्या, ये वाला फील्ड ना थोड़ा सा छोटा लग रहा है मेरे को, तो ये वाली जो फसल है हमारे को ज़्यादा पैसा दे सकती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको हम बड़े वाले फील्ड में लगाए ना तो ही ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना इसी वाले फील्ड में लगा देते हैं। ये वाला फील्ड इस बंदे ने हमारे कल्टीवेट कर दिया है, और ये वाला फील्ड सही में यार बहुत ज़्यादा बड़ा है, छोटा नहीं है, देख रहे हो, इस वाले से तो बड़ा है एटलीस्ट। तो इधर ही वाली जगह पर मैं लगा देता हूँ फटाफट से सीड्स को, ठीक है। तो इधर मेरे को इसको पहले लगाना पड़ेगा ट्रैक्टर को बिल्कुल सही से, ऑल राइट। एंड सीडर को मैं नीचे कर देता हूँ, एंड अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, एंड लेट्स गो गाइस, ठीक है। अभी फटाफट से यहाँ पे सीड लगाना कर देते हैं स्टार्ट। अभी सीड लग भी रही है या नहीं लग रही है एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा।
हाँ लग रही है, आई थिंक सो, हाँ लग रही है, लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है। अगर मैं इसको एआई को दूं तो देखो दिखाता हूँ, ये देख रहे हो पीछे लाइन सी आ रही है ना, तो वो बिल्कुल सही से लग रही है। और इसने छोड़ दिया क्या भाई? ये छोड़ देता है मुझे ऐसा लग रहा है, देख रहे हो इसने ना एक साइड का थोड़ा सा छोड़ा है, देखो अभी यहाँ पर इसने लगाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को देखना पड़ेगा, शायद मेरे को खुद से लगानी पड़ेगी वाले हिस्से में। बाकी ये सही प्लांट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम यहाँ पर फिलहाल के लिए अभी प्लांट करने देते हैं, तब तक मैं जरा वो देखता हूँ कल्टीवेट वाला काम। भाई साहब पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गाइस ने, पूरा का पूरा फील्ड जो है यहाँ पर कल्टीवेट कर दिया है, एंड बस हमारे को अब इस वाले फील्ड को, अब मेरे को सिर्फ खाली आई थिंक सो यहाँ पर इस फील्ड को मार्केस कंप्लीट करना होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, भाई बड़ी जल्दी नहीं हो गया ये वाला फील्ड? भाई सीरियसली यार इतना बड़ा फील्ड था ये, बहुत ही बड़ा फील्ड था, बट जो उसने कल्टीवेटर दिया था वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं, एंड गाइज अपना जो फील्ड है अभी तो प्रिपेयर फील्ड 10 फॉर शोइंग विद नेक्स्ट क्रॉप बाय कल्टीवेटिंग इट। भाई कल्टीवेट नहीं हुआ क्या? एक सेकेंड, अबे कल्टीवेट करा तो है मैंने सही फील्ड कल्ट, अच्छा नहीं करा नहीं करा नहीं करा, एक सेकेंड इसने ना आधे पे छोड़ा है। अबे एक सेकेंड, मैंने गलत फील्ड कल्टीवेट तो नहीं कर दिया किसी का? एक सेकेंड, अरे भाई ये गधा है क्या? इसने आधा काम करा और छोड़ दिया, मैं भी वही बोलूँ उसने इतना बड़ा फील्ड कैसे कल्टीवेट कर दिया। ये देखो यहाँ पे खड़ा हो रहा है पागल कहीं का, अभी मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोड़ते हैं एंड सीधा करते हैं एंड लेट्स गो, ठीक है। अभी फटाफट से यहाँ पर मैं पहले इसको नीचे कर देता हूँ और इसको कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यार ये भी ना मैं खुश हो गया था, मैंने कहा बड़ा जल्दी कर दिया, बट मुझे क्या पता था ये तो चोमू निकला भाई, चोमू काम करा इसने, चोमू काम। अभी मैं दोबारा से इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, अभी कर देगा भाई। मैं सही में खुश हो गया, मैंने उस फील्ड को देखा पीछे वाले का, मैंने कहा तो कल्टीवेट हो गया, बट मेरा ध्यान नहीं किया, वो फर्टिलाइज हो रखा है यार, ध्यान से देखो उसमें ना पानी पड़ा हुआ है भाई, हद होता है यार सही में, पागल है बंदा, आधा काम छोड़ के बैठ गया, मैं भी खुश हो रहा हूँ। और चलो ठीक है, फिलहाल के लिए जरा मैं यहाँ से यहाँ पर चलता हूँ, एंड ये अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए प्लांटिंग वगैरह कर रहा है सही से, भाई सही काम कर रहा है यार, ये बहुत सही काम कर रहा है। अभी शायद से इसने दोबारा जाते हुए ना जो एरिया छोड़ा था वहाँ पर इसने कल्टीवेटिंग वगैरह कर दी होगी, तो काफ़ी सही था। इसमें हमारे को लाइमिंग वगैरह करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि इसमें ना ये प्लांट है बेसिकली, तो इसमें लाइमिंग होती है, इसमें फर्टिलाइजिंग नहीं होती शायद, मेरे को जहाँ तक पता है, ठीक है। तो इसमें शायद हमारे को लाइमिंग करनी पड़ेगी। बाकी यार यहाँ पर ना पत्थर बहुत हो रहे हैं यार, ठीक भाई पत्थर बहुत हो रहे हैं यहाँ पर, मेरे को ना पत्थर वगैरह हटाने पड़ेंगे यहाँ से, नहीं तो ये परेशान करेंगे, देख रहे हो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। चलो देख लेंगे पत्थर वगैरह हटा पाएंगे तो पत्थर हटा देंगे यहाँ से, वैसे मशीन तो आती है पत्थर हटाने की जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि इसको हटा ले फिलहाल के लिए जरा, बाकी वो मैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट्स यार देखो कॉन्ट्रैक्ट ना इतने बड़े कुछ है नहीं, बट ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी मैं कर सकता हूँ वैसे ना, इस वाले को भी मैं बोरो कर लेता हूँ, एंड ये बोरो हो गया, एंड अभी इस वाले फील्ड को भी कर लेते हैं। पता है मैंने क्यों लिया? कल्टीवेटिंग का काम है, मैं लगाकर भी छोड़ दूंगा तो अपना आप हो जाएगा जल्दी, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला फील्ड ले लिया है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं पहले, भाई वाला ट्रैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई, ये ट्रैक्टर सही में बहुत ज़्यादा ही बड़ा है तो, बट शायद से इसकी स्पीड कम नहीं, स्पीड भी ठीक ठाक लग रही है मेरे को। फटाफट से कैमरा चेंज करते हैं एंड जल्दी से ना इसको यहाँ पर मैं कनेक्ट मार देता हूँ, एक सेकेंड, नाइस, ठीक है भाई वाला कल्टीवेटर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को। चलो भाई क्या हैंडलिंग है यार, बड़ी प्यारी हैंडलिंग है सही में, बड़ी प्यारी हैंडलिंग है। एंड जाना कहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, दूर तो नहीं जाना ज़्यादा, 38 पे जाना है, यहाँ पर पास ही है, आराम से चले जाएंगे, तो इधर से निकलते हैं जल्दी से। भाई कल्टीवेटिंग वाले काम मेरे को ना बहुत सही लगते हैं, ना ज़्यादा झिकझिक होती ना कुछ, बस ले जाओ ले जा करके AI पे ले जाकर, मतलब AI को देख करके छोड़ दो और अपना काम जो है ना बहुत इजीली हो जाता है, तो मेरे को इसलिए बहुत ज़्यादा सही लगते हैं। ऑलराइट गाइस फिलहाल के लिए मैं आ चुका हूँ उसी फील्ड के पास जिसको मेरे को करना है अभी यहाँ पर कल्टीवेट, एंड अभी ये तो वही फील्ड है जिसपे अभी मैंने जस्ट वर्क किया था, एंड कॉर्न की सीड्स यहाँ से, मतलब कॉर्न वगैरह की फसल को काटा था यहाँ पर। भाई नाइस, सेम फील्ड का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसों में, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपने ट्रैक्टर को और इस वाले फील्ड को भी ना हम कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भाई ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरे को ऐसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारा है सही में ट्रैक्टर ना। तो जल्दी से इसको मैं भी यहाँ पर ओपन कर देता हूँ एंड लेट्स गो गाइस, ठीक है। फटाफट से ये वाला फील्ड भी करके ख़त्म करते हैं। बाकी क्या है, लोअर डिस्क हैरो,
कोर्डलेस हैरो। अच्छा इसका हैरो नाम है। ओह भाई ये भी काफी ज्यादा बड़ी मशीन है सही में। चलो ठीक है, एटलीस्ट अपना काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है इसको यहाँ पे रखते हैं। और अभी मेरे को कुछ करने की जरूरत है और नहीं, ये अपना आप ही कर लेगा शायद से। ठीक है तो इसको थोड़ा सा इधर लेकर चलते हैं एंड अपना आप ही ये बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ठीक है आई होप सो। सीधा हो जा 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 सीधा सीधा सीधा। अबे नल्ले सीधा हो, सीधा 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 भाई प्लीज सीधा सीधा। ये भाई थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है समझ आ गया, मैंने ना थोड़ी सी गलती करी, कोई बात नहीं। अभी मैं जैसा लेकर आया था ना इसको वैसे चलाना चाहिए था, कोई बात नहीं। अभी सीधा हो जाएगा ये एंड लेट्स गो गाइस। ठीक है अभी परफेक्ट है, बस थोड़ा सा मेरे को इधर इधर करना है और ये सीधा होता जाएगा अपना। ठीक है नाइस, अभी ये परफेक्ट वर्क करेगा। तब तक मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारा। देख रहे हो भाई क्या सही वर्क कर रहा है ना। इधर फिर से इधर हो गया, ये थोड़ा सा ना राउंड है यार फील्ड एक्चुअली में ना, तो इधर उधर थोड़ा बहुत हो रहा है फिलहाल के। मैं इस पर AI डाल देता हूँ एंड अपना AI जो है फटाफट से इसको कल्टीवेट कर देगा। ठीक है एंड पैसा भी अपने को ठीक ठाक मिल रहा है, 14,000 यूरोज मिल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और हम अपना लोन भी चुका देंगे इससे। बाकी वो दूसरे वाला क्या कर रहा है जरा मैं उसको देख लेता एक बार। ये यहाँ पर अभी प्लांटिंग कर रहा है, ठीक है ये भी यहाँ पर प्लांटिंग कर रहा है सही से, तो उसको करने देते हैं। बाकी कल्टीवेटर वाला वो कल्टीवेट कर रहा है। ये गधे का बच्चा फिर से यहाँ खड़ा हो गया, ये पागल है क्या भाई, आधा काम कर रहा है आधा छोड़ दे रहा है। मेरे को उसको बार बार लगाना पड़ रहा है। रुको एक काम करते हैं, नहीं यार इसको ना लगाना भी तो ऐसे ही पड़ेगा, क्या करूँ मैं। आई होप सो, अबे वर्क कर रहा है अब कर रहा है। ठीक है ठीक है मेरे हिसाब से कर देगा यार, करने देते हैं उसको जैसा कर रहा है। ठीक है जैसा भी कर रहा है करने देते हैं, थोड़ा बहुत जो छूटेगा वो हम कर देंगे। ठीक है फिलहाल के लिए उसको काम करने देते हैं। बाकी आज हमने भाई बहुत सी चीज़ें कर दी हैं, दो दो फील्ड कल्टीवेटिंग पर लगा दिए और ये कल्टीवेट हो रहे हैं यहाँ पर परफेक्ट तरीके से। और अपना ये वाला फील्ड मेरे को कल्टीवेट करना था तो इसको कल्टीवेट कर देंगे। ठीक है नेक्स्ट एपिसोड में कल्टीवेट करेंगे इसको। बाकी यहाँ पर अभी प्लांटिंग वगैरह चल रही है अपनी, इसको भी खोने देते हैं। ठीक है तो नेक्स्ट एपिसोड में इसमें हम यहाँ पर लाइमिंग वगैरह कर लेंगे जो भी इसमें प्रोसेस होगी। ठीक है बाकी और कुछ काम मैंने आज के लिए रखा था क्या? नहीं ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे गाइस सारे के सारे काम जो है कर दिए, बाकी जो काम है चलने देते हैं इनको। ठीक है इन कामों को हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड को गाइस बस इतना ही रखते हैं। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए एपिसोड के साथ। ओके गाइस बाय बाय।